क्या भाई, कल आ रहा है मुंबई? एक बार उर्वशी और ऋषभ पंत भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन मैं आने से नहीं रुक सकता। एक बार पप्पू प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन मैं आने से नहीं रुक सकता। एक बार कब्जी हुए इंसान को लूज मोशन हो सकते हैं, लेकिन मैं आने से नहीं रुक सकता। बाप से परमिशन ले ली? परमिशन? बाप से परमिशन कौन लेता है? बगैर परमिशन के चला जाएगा। अबे बच्चे लेते हैं परमिशन। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सिर्फ बाप को इन्फॉर्म करता हूँ कि पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो मेरे को गाल पे थपथपा के कहते हैं, तेरा बाप कभी जयपुर से आगे नहीं गया, तेरे को मुंबई जाना है। वो तो आपकी कंजूसी है, मैं क्या करूँ। जवान पे लगाम। पापा प्लीज मान जाओ ना, सिर्फ 10 दिन की तो बात है। बात सिर्फ 10 दिन की नहीं है, 11 दिन की है। एक दिन आने में भी तो लगेगा। क्यों एक दिन के पीछे पड़े हो? एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? एक दिन का फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बेटे। अगर 40 साल पहले तेरे दादाजी एक दिन पहले विदेश चले जाते तो तेरा चाचा नहीं होता, सारी जमीन मेरे अकेले के नाम होती। अगर एक दिन में सांस, एक एक बोल के बाप दादा की गलतियां मेरे को क्यों गिना रहे हो? मुझे बस आपसे परमिशन और 30,000 रुपए चाहिए, बाकी के 375 रुपए मैं खुद कर लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। 30,000? जब मैं तेरी उम्र का था तब मेरे पास अगर 30,000 हो जाते ना तो कहीं पे रिश्वत देके चपरासी लग जाता मैं। अभी भी तो जबान लड़ाता है। मेरे कहने का मतलब, अभी भी तो हो आप कर्मचारी, फिर क्यों दुखी हो? सरकारी नौकरी का आनंद ही कुछ और है बेटे। अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाती ना, तेरी माँ से मैं कभी शादी नहीं करता। हाँ, फिर तो शिल्पा शेट्टी से करता ना तू। मैं रानू मंडल से कर लेता, लेकिन तेरे से कभी नहीं करता, साली कुल्टा पिशाचिनी। आज का खाना भाई होटल में खाना। यार पापा प्लीज, आप शुरू मत हो। शुरू होने को क्या, मैं टेक्निकल गुरुजी? चलिए शुरू करते हैं। सारी समस्याओं को साइड में रखो, तेरी मम्मी मेरे से नहीं उठेगी। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे क्या नहीं, मेरे को मुंबई जाना है। तो जाना? अरे तो जाना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे को तेरे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जाने से क्या हुआ? मतलब आपने मेरे को परमिशन दे दी? एक मिनट, मैंने तेरे को परमिशन कब दी? आप बोल रहे हो ना जा। हाँ तो जा ना। तो आप तो बोल रहे हो परमिशन दी नहीं, तो जाने का और परमिशन का क्या कनेक्शन? अबे अजीब कंफ्यूजन है, तो मैं जाऊं या नहीं? वो तेरी मर्जी है, मेरे को नहीं पता। मैं पागल हो जाऊंगा यार। अबे सड़ी हुई दाल फ्राई, इतनी सी बात के लिए पागल मत हो, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। एक काम कर, तू जो जो भी काम करेगा वहां जाके वो लिस्ट मेरे को दे और चला जा। सच में? हाँ सच में। अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं, झूठ तेरी माँ बोलती है। मुझे पता था मेरे पापा वर्ल्ड के ज्यादा हो जाएगा, गांव के बेस्ट पापा है, मेरे को पता था, इसलिए मैंने पहले ही आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दी है, चेक करो आप। व्हाट्सएप डिजिटल, बढ़िया है। सुबह 6 बजे उठकर मंदिर जाऊंगा, फिर अपने पापा की तस्वीर पे हार चढ़ाऊंगा। अबे ये क्या है? सॉरी पापा, वो मिसटाइप हो गया, मूर्ति पे हार चढ़ाऊंगा, भगवान की मूर्ति पे। तो ढंग से लिखा करना। इसके बाद अपनी मम्मी पापा का ध्यान करूंगा, क्योंकि वही मेरे देवता है। वाह क्या बात है। उसके बाद व्यायाम करूंगा, 11 बजे उठने वाला व्यायाम करेगा, हो सकता है। फिर मित्र गणों के साथ प्रोजेक्ट पर कार्य करूंगा जिसके लिए जा रहा हूँ। वाह क्या विचार है। फिर बोर होने पर यूपीएससी की सारी किताबें पढ़ूंगा एक दिन में, और आते आते एक यूपीएससी की सीट ले आऊंगा। वाह मेरे बेटे। मदिरा पान करने वालों को सही सलाह दूंगा कि ये जानलेवा है, इसका सेवन ना करो। वाह हीरा है तू हीरा। नशे से दूर रहूंगा, शाबाश। लड़कियों से 5 फीट की दूरी बनाकर रखूंगा, लेकिन वो तो तेरे से खुद 10 फीट की दूरी रखती है, चल फिर भी ठीक है। वाह बेटा वाह। पापा और भी है। बस बेटे बस।
मुझे आज यकीन हो गया कि एक पिशाचिनी की कोक से महान व्यक्ति जन्म ले सकता है। तू मेरा श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार है बेटे। तू गोवा जा, मुंबई जा, जापान जा, थाईलैंड जा, मेरा आशीर्वाद। और ये ले, एटीएम तेरे साथ है। पापा कॉल आ रहा है, कर ले बात। दोस्त का कॉल है, कर ले बेटे बात, कर ले। तेरे मित्र का कॉल आया। हाँ, श्रवण कुमार का मित्र तो राम ही हो सकता है। कर ले स्पीकर पे, बाहर जाके कर लेता हूँ ना। हाँ स्पीकर पे ही कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं भी तो जानू तेरे मित्र के क्या विचार है, तेरे जैसा है या तेरे से भी महान है। बाहर चला जाता हूँ, यहीं पे। ठीक है यहीं पे कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ। हेलो हेलो को घुस ले अपनी। ये बता, कल की प्लानिंग कर ली ना? तेरे बाप ने पैसे वैसे दिए कि नहीं? वैसे तो एक नंबर का कंजूस, मक्की चूस, फटीचर किस्म का है तेरा बाप। देख, मैंने तो सारा सामान रख लिया है। 4 किलो डोडा, 2 किलो गांजा, 8 पैकेट भांग, 5 गोल्ड फ्लेक, दोनों भाई मुंबई जाके धुआं धुआं कर देंगे। और सुन, तेरी बंदी चल रही है ना, मेरी तो पास में ही बैठी है। और हाँ, दारू के पैसे तू ही ले। और हाँ, आते वक्त यूपीएससी के पेपर से भी कड़क 8 सिगार जरूर ले आना। पापा एक मिनट। अबे बेसन के पकोड़े, मच्छर की लेंडी, चिपकली के खका, एक बार पूछ तो लिया कर कि भाई कहाँ बैठा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। पर नहीं, तुमको तो सीधी अपनी बवासीर झाड़ दी है। तेरे चक्कर में मेरा बाप खून का प्यासा हो गया, नंगी तलवार लिए बैठा है। सारा प्लान बन चुका था, सब कुछ सेट हो गया, साले तूने बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। रुक, बाकी चीज तो मैं बाद में देखूंगा, पहले आज तेरा मर्डर करूंगा। तू वहीं रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ, आज तेरा मर्डर पक्का है। पापा आज बेल्ट से।